Yes, now today I will start from the problems. Yesterday I have discussed with you the story of South Africa. Okay, story of South Africa's constitution. Then factors, which factors responsible for our constitution. इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स करवाए थे. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1928. ठीक है, आफ्टर 1928 इंपॉर्टेंट ईयर 1930 क्यों याद किया जाता है? बिकॉज ऑन दिस डेट 26 जनवरी 1930 पंडित जवाहरलाल नेहरू ही टुक ऑथ नियर द रावी रिवर टू हैव अ कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की ऑथ ली थी. एंड टू रिमेंबर दैट डेट, उस डेट को याद करने के लिए, ठीक है, द वेट ऑफ 26 नवंबर टू 26 जनवरी वॉज देयर. यानी कि 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक वेट की गई. एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. देन 1931 इंपॉर्टेंट ईयर, 1931 इम्पोर्टेंट ईयर, कराची सेशन. कराची में सेशन हुआ था. कराची आज पाकिस्तान में है, बट अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया. इंडियन नेशनल कांग्रेस का इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो डिमांड की गई. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर्स ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट की डिमांड की. ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कुछ नए एक्ट्स जो है वो पास किए, जिसमें पहली बार इंडियंस को क्या मिला, राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ठीक है, इसके बाद 1937 में कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए एंड पीपल, इंडियन पीपल, दे गॉट राइट टू वोट. एंड इन दिस वे दे लर्नड हाउ टू मेक लॉज. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1937 के बाद, आप ये देखो कि 1937 के बाद 1947 तक कितना लंबा एक्सपीरियंस था इंडियंस को कि हम लॉज कैसे बनाएं. और जब ब्रिटिशर्स हमके छोड़ के चले गए और उसके बाद इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दे वर वेरी फेमिलियर, दे वर वेरी मच अवेयर अबाउट द लॉ मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, तो तब तक उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका था कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं. तो ये भी कुछ फैक्टर्स थे जिनके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुछ हेल्प हुई. ठीक है, अब प्रॉब्लम्स, जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पीरियड में बहुत सी मेकर्स के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है. वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बट आपको वन मार्क के अकॉर्डिंग जस्ट हर प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, नंबर वन, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स. विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स while framing constitution for the country. यानी कि जब वो कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम पीरियड में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेकर्स थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, पावर्टी. अब हम पार्टीशन की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि पार्टीशन जब हुआ एट दैट टाइम many people from Pakistan, they came in India, those who were Hindus, and many Indians, those who were Muslims, they migrated to Pakistan. At that time, due to the problem of partition, many people who came from Pakistan, they were very poor. उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो यहाँ पे आए. ठीक है, उनके पास सिर्फ उनकी लाइफ थी, वो सिर्फ लाइफ बचाकर यहाँ पे आए थे. ठीक है, and at that time it was very difficult for constitution makers to make the equal laws. kyunki wo jo pakistan se yahan pe aaye the na, unko refugees kaha gaya. kya kaha gaya, refugees. abhi agar aaj ke time ke example hum le afghanistan, bahut se aise log hain jo afghanistan se bhagna chahte hain kyunki wo nahi chahte ki ab wo taliban ke control mein hai. to maybe agar afghanistan se wo jo log bhag kar kahin aur jayenge, तो वहां पे वो क्या कंसिडर किया जाएगा उनको, रिफ्यूजीज. रिफ्यूजीज क्या होते हैं, जो किसी और कंट्री से आकर दूसरी कंट्री में सेटअप होते हैं. ठीक है, दिस वाज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. अब सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉवर्टी के साथ ही है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट में हमने बताया है मैनी पीपल दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, दे वर हिंदूज थे, हमारी इंडिया से ही थे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी कम्युनिटी रिलीजन हिंदू थे,
पाकिस्तान से उनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहां पर उनके ऊपर अटैक हो रहा था, बट इन आर कंट्री देवर अनएम्प्लॉयड, उनको यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। अब किस बेस पे मिलेगी, क्योंकि अभी आकर तो इमिडिएटली तो नहीं उनको जॉब मिल जाएगी, है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम आई, मैनी पीपल वर अनएम्प्लॉयड। देन मेकर्स के सामने ये प्रॉब्लम थी कि उनको क्या कहाँ पे, क्योंकि कंट्री तो अभी न्यूली न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ठीक है, कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, फैक्ट्री सेटअप होंगी, तभी तो उनको काम मिलेगा। तो दिस वॉज अ मेन प्रॉब्लम एट दैट टाइम, हाउ टू मेक लॉज फॉर दोज। थर्ड, शेल्टर, कैसा लॉ, लैंड का एक्ट कैसा बनाया जाए। लैंड का एक्ट का मतलब क्या होता है, आपने शायद अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर या उनसे पार्टीशन की स्टोरी सुनी होगी। तो कई ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें जो उस टाइम पीरियड में लोगों ने सुनाई है, वो ये कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान से यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ मुस्लिम हाउस होंगे, वो मुस्लिम हाउस उनको खाली मिले, और उस टाइम पीरियड में उनको जो घर मिला वो घर उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे में घर लैंड एक्ट कैसा बनाया जाए, और यहाँ से जो लोग यहाँ से मुस्लिम यहाँ पे जो घर छोड़कर पाकिस्तान गए, वो वहां पे जो हिंदू फैमिलीज के घर होंगे वो घर उन्होंने कंट्रोल कर ली। और इस तरह से मेकर्स के सामने प्रॉब्लम थी कि इन लोगों के लिए लैंड एक्ट कैसे बनाए जाए, मतलब जिस पर्सन के पास जो घर है उसके पास तो पेपर्स नहीं होंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, लैंड एक्ट कैसे बनाया जाए, और किस तरह से इन रिफ्यूजीज के लिए एक्ट बनाए जाए, क्योंकि अब उनको इंडिया का सिटीजन बनाना है, वो लोग वहां से तो आ गए हैं, अब उनको यहाँ पर आकर सिटीजनशिप के क्या राइट्स हैं वो कैसे उनको दिए जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैनी स्टेट्स, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, किंग्स ऑफ दीज डायनेस्टीज, दे वर द वेरी यू कैन से गुड फ्रेंड ऑफ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स चले गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिवाइड एंड पॉलिसी के अंडर उनको इंडिपेंडेंट कर दी, कि ना वो इंडिया का पार्ट है ना वो पाकिस्तान का पार्ट है, उनको उनकी कंडीशन पे छोड़ दिया गया कि वो जिसका पार्ट बनना चाहते हैं वो उस कंट्री का पार्ट बन सकते। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी किंगडम्स थी जिन किंगडम्स जो ना इंडिया के साथ रहना चाहती थी ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, पर क्या वो इंडिपेंडेंट रह सकती थी, नो। इंडिया, इंडियन आर्मी या पाकिस्तान आर्मी, अगर वो एरियाज इंडिया के साथ लगते ठीक है, तो इंडिया को हर टाइम डर रहेगा कि पाकिस्तान उनके ऊपर अटैक ना करते। सपोज कुछ एरिया सेंटर में है, जैसे अगर बात की जाए तो हैदराबाद की जो रियासत है, हैदराबाद की जो रियासत है वो पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी उसको कैप्चर कर सकता है, तो मे बी पाकिस्तान आर्मी वहां पे अगर आ गई तो इंडिया को हमेशा जो है वो बॉर्डर एरियाज की टेंशन है। और ऐसे में वल्लभ भाई पटेल, हमारे इंडिया के उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वल्लभ भाई पटेल का नाम जो है वो लिया जाता है, जिन्होंने इन प्रिंसली स्टेट से किंग्स के साथ प्रॉपर मीटिंग की और उनको इस चीज के लिए कन्विंस किया कि अगर आप इंडिया का पार्ट बनते हो तो इंडियन आर्मी आपको प्रोटेक्ट करे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उस टाइम पीरियड में ना वो इंडिया में आना चाहते थे ना पाकिस्तान में, वो अपनी इंडिपेंडेंट रियासत चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कन्विंस किया कि अगर आप इंडिया का पार्ट बनते हो तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगी, इंडियन आर्मी। बट कंडीशन लगा दी गई आर्टिकल 3(7), यानी कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया से सेपरेट रहेगा, पार्ट बनेगा, मतलब हम कहते हैं कि इंडिया का पार्ट है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस अलग होंगे, इंडिया से अलग होंगे, उनकी गवर्नमेंट भी अलग होगी और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी सेपरेट होगा। इस कंडीशन के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया, लेकिन रिसेंट अभी आज का ट्रेंड क्या है, आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वही जम्मू एंड कश्मीर पे इम्प्लीमेंट होगा, एंड इंडियन आर्मी तो वो तो प्रोटेक्ट कर ही रही है बॉर्डर एरियाज को, तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन नाउ इंडियंस यानी कि पंजाबी, गुजराती, मराठी, दे कैन आल्सो बाय प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले ऐसा नहीं, जब आर्टिकल 370 था तो इंडिया से कोई भी पर्सन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, उनके राइट्स ही नहीं थे, लेकिन अब ये इसको खत्म कर दिया है, तो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी इंडिया की इंटेग्रिटी को जो है वो बनाया गया। सो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया प्रिंसली स्टेट्स का,
कि मेकर्स के सामने ये प्रॉब्लम थी कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या किया जाए, क्योंकि अगर इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान कभी भी उन पर अटैक करके उनको अपना पार्ट बना सकता है और ये इंडिया के लिए हमेशा ही थ्रेट रहेगी। तो ये मेन प्रॉब्लम आई उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने। देन रिलीजियस राइट्स, राइट्स का मतलब होता है उस टाइम पीरियड में अटैक। 1947 का ईयर उससे पहले का टाइम है और बाद का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए, ठीक है, जिसके कारण मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम फैमिलीज वर किल्ड, अटैक्ड आल्सो, सेपरेटेड आल्सो, सेपरेट भी हो गए। मिल्खा सिंह की स्टोरी, ठीक है, अगर आपने वो मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह की स्टोरी, उसका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं कि कैसे वो पाकिस्तान से यहाँ पे आए, फैमिलीज जो उनके पेरेंट्स को मार दिया गया, और बाद में आपको याद होगा कि जब मिल्खा सिंह पाकिस्तान गए थे तो किस कितना उनके मतलब मेंटली स्ट्रेस था उनको, फिर वही सारी पुरानी चीजें जो राइट्स का टाइम पीरियड था वो सारा याद है। तो रियली जिन लोगों ने ये चीजें देखी हुई हैं, ठीक है, वो इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने ये प्रॉब्लम थी कि इन रॉयट्स में जो फैमिलीज कंपनसेशन कैसे दिया जाए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था पॉपुलेशन का उस टाइम पीरियड में। तो आप सोचो कि एक नई कंट्री जिसको अभी अभी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस के द्वारा नई कंट्री बनेगी, और उस कंट्री के सामने कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या थी एट दैट टाइम, कम्युनल डिफरेंसेस, लैंग्वेज, हर चीज में डिफरेंसेस थे। लैंग्वेज, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, तो एक कॉमन लैंग्वेज कैसे बनाई जाए, क्योंकि अगर एक कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे तो साउथ इंडियंस को तो हिंदी आती नहीं, ठीक है, बहुत से ऐसे रेयर है साउथ इंडियंस को हिंदी नहीं आती, तो अगर एक कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम आएगी। कम्युनल डिफरेंसेस, रिलीजन, इंडिया को कैसी स्टेट बनाया जाए, सेकुलर बनाया जाए या एक रिलीजन स्टेट रिलीजन जो है बनाया जाए, अगर एक रिलीजन होगा तो सिर्फ जो है वो प्रॉफिट किसको होगा, हिंदूज को होगा, और जो बाकी कम्युनिटीज है वो क्या हो जाएंगी, माइनॉरिटीज, ठीक है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या थी, आगे रिलीजन्स की भी सब कास्ट है, रिलीजन्स जो है उनमें भी आगे सब कास्ट है। इसका बेस्ट एग्जांपल जब आप न्यूज़पेपर देखते हो ना, मैट्रिमोनियल कॉलम्स, अगर उसमें हिंदूज हैं, ब्राह्मण्स हैं, अरोड़ाज हैं, उसमें भी आगे कितनी ब्रांचेज है, ठीक है। तो ये जिस टाइम पीरियड में मैरिज का क्वेश्चन होता ना, उस टाइम पीरियड में देखा जाता है इंटरकास्ट मैरिज, या उस टाइम पीरियड में रिलीजन में भी आगे अलग अलग कम्युनिटीज होती। ट्राइबल्स, एट दैट टाइम मैनी ट्राइबल्स कम्युनिटीज वर आल्सो लिविंग, उनको उनके साथ क्या किया जाए, क्या उनको फॉरेस्ट एरिया से बाहर निकाला जाए या फॉरेस्ट एरियाज में ही रखा जाए, या कैसे उनके रिगार्डिंग जो है वो लैंड एक्ट उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ब्रीज ट्राइबल्स वर डिक्लेयर क्रिमिनल्स, इनको क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि टैक्स नहीं पे करते थे। दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेंथॉल, गोंड, बहुत से ऐसे कबीले जो अपने सेवन हेड में सारा पड़ा हुआ है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने कि कैसे इन प्रॉब्लम्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, ठीक है। तो आगे हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, असेंबली का जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, मैनी मेंबर्स दे स्पेंट डिफरेंट इयर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, एंड व्हेन दे केम बैक दे ब्रॉट बेस्ट आइडियाज, वो अपने साथ बेस्ट आइडियाज लेकर आए और उन बेस्ट आइडियाज के साथ हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको बोलते हैं बैग ऑफ बोरिंग्स। क्यों कहते हैं बैग ऑफ बोरिंग्स, क्योंकि हमने कॉपी किया है, इंडियंस कॉपी बहुत अच्छा करते हैं ना, ठीक है, बैग ऑफ बोरिंग्स। लेकिन बोरिंग्स को ऐसा सच नहीं लिया गया, उनको अपनी कंट्री की डिमांड, अपनी कंट्री की सोसाइटी और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडिफाई किया गया। एंड देन आज भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो रियल डिस्कशन बिटवीन दीज मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 299 मेंबर्स थे जो अलग अलग कंट्रीज में रहे, वहां से बेस्ट पॉलिसीज जब यहाँ पर लेकर आए, प्रॉपर डिस्कशन जो उनका डिबेट डिस्कशन हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि मेकर्स को पता था कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर चले जाएंगे, आने वाली जनरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉ की प्रॉब्लम आएगी तो वो ये डिबेट्स और डिस्कशन सुनकर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो लॉज के बारे में जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी डेज, अ वन मार्क क्वेश्चन राइट डाउन, हाउ मेनी डेज एटलीस्ट, कितने डेज उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में स्पेंड किए मैक्सिमम
द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज 114 में आप ये देख रहे हो कि कितने मंथ्स हो गए 114 डेज यानी कि मेंबर जो थे वो इतने दिनों तक फॉरेन कंट्रीज में रहे 4 months approximately वहां पर रहे और वहां की सारी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रॉपरली जो है उन्होंने उसके ऊपर सारा जो है उसको रिसर्च किया। अब आ जाइए मेन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1 mark क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट अगर तो आपको आता है प्रेसिडेंट तो जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इस असेंबली को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसमें से एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी जिस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न फॉर्म में तैयार करने की। आप ये देखो इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन आप एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल लो आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है ना तो ये कॉपी है लेकिन जो फर्स्ट न्यूज़पेपर बनाया जाता है वो प्रॉपर उसको उसका लेआउट तैयार किया जाता है एक प्लेन पेपर पे न्यूज को सेट किया जाता है कि कौन सी न्यूज को फ्रंट में रखा जाएगा कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसके कॉलम के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है उसको कहते हैं ड्राफ्ट दैट इज वो क्या है ड्राफ्ट। ठीक है ड्राफ्ट का मतलब फर्स्ट कॉपी जो फर्स्ट कॉपी होती है तो फर्स्ट कॉपी जो थी यानी कि सारा रिटर्न फॉर्म में इन्होंने तैयार करवाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये थे चेयरमैन। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं डेट्स में भी कंफ्यूज होते हैं ये 4 questions में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। नंबर 1 हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू। ठीक है देन इसके बाद हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी महात्मा गांधी जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस असेंबली के मेंबर नहीं थे 299 में से महात्मा गांधी जो थे वो असेंबली का पार्ट नहीं थे बट स्टिल महात्मा गांधी जी की ही जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज को जो वो सोचते थे उनका ड्रीम मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। ठीक है ये उन्होंने सारा एक बुक में लिखा था यंग इंडिया महात्मा गांधी यंग इंडिया बुक रिटर्न काइंड ऑफ मैगजीन बुक रिटर्न बाय महात्मा गांधी कौन से ईयर में लिखी 1931 याद करो जिस दिन जब कराची सेशन हुआ होगा ना उस पर्टिकुलर ईयर में तो हमेशा याद रखना इन विच ईयर यंग इंडिया वॉज रिटर्न बाय महात्मा गांधी 1931 हु रोट यंग इंडिया महात्मा गांधी क्या था ये उन्होंने टाइटल दिया था ड्रीम्स ऑफ माई कंट्री कि मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम पीरियड में ठीक है महात्मा गांधी जी ने जो भी लिखा था उसको भी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी अपने लॉज का पार्ट बनाया कि वो अपनी कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं कि मेरी कंट्री कैसी होनी चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था वो था लोकल लोकल गवर्नमेंट जैसे हम कहते हैं पंचायत का सिस्टम ये काइंड ऑफ महात्मा गांधी जी की ही थिंकिंग थी कि लोकल लेवल के ऊपर जो है जो गवर्नमेंट उनकी अपनी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या लॉज हैं या कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके पीछे महात्मा गांधी जी की भी थिंकिंग का प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस। अब हम नेक्स्ट करेंगे गाइडिंग फिलोसफी इसको भी हम पार्ट बनाएंगे क्या होती है गाइडिंग फिलोसफी। गाइडिंग फिलोसफी का मतलब क्या है कि जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनके ऊपर इम्पैक्ट किनका था 3 personalities मेन अभी याद करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट किसका था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, थर्ड महात्मा गांधी। बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बुक में अगर आप कभी इस बुक को अगर देखते हो, इसके ऊपर एक सीरियल भी बना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जब आईएएस के लिए तैयारी करते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री, सॉरी, उन्होंने पूरी हिस्ट्री को इसमें लिखा है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट मॉडर्न मेडिएवल सारी हिस्ट्री इसमें कवर की है, ठीक है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने पूरे इंडिया का कल्चर पुराना, इसके ऊपर सीरियल भी बना, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस बुक को लिखा तो उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में कि मॉडर्न इंडिया कैसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये बताया यंग इंडिया, यंग इंडिया रिटन बाय महात्मा गांधी, देन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने जिनको कहा जाता है उन्होंने क्या किया था, उनको मसीहा कहा जाता है ऑफ दलित पीपल। ठीक है, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। जिसमें उन्होंने कॉमन पीपल और लोअर सेक्शंस के बारे में जो है उनका जो प्लाइट है, उनका जो पेन है, उसके बारे में बताया। एंड अल्टीमेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कारण ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसको स्टार्ट किया, ठीक है, रिजर्व सीट्स। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये फिलोसफी, गाइडिंग फिलोसफी जो है हमारे मेकर्स के माइंड में, इनके बारे में भी, इनकी फिलोसफी, ये तो खुद ही पार्ट थे, असेंबली का पार्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इनमें से महात्मा गांधी जो थे वो मेंबर नहीं थे, असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने प्रीएम्बल को कहां से कॉपी किया है, अमेरिकन मॉडल। आर प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, our preamble has been taken from American Constitution, first page, preamble क्या होता, one mark question, what do you mean by opening, yes, opening page of our Constitution, first page, जैसे हर book का preface होता है ना, और आपकी जितनी भी social की books हैं उसमें तो mostly कई books में तो होता ही है ये preamble, first page पे, NCERT में हमेशा preamble, सिटीजंस नहीं, ये जस्ट मतलब एक लिटरली इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो हम पे इम्पोज नहीं किया, हम पे थोपा नहीं गया, सहमति से बनाया, हाँ, वी द पीपल। तो इस प्रीएम्बल के किसी भी वर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग। नंबर वन, प्रीएम्बल स्टार्ट्स फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द पीपल, लोगों ने बनाया है इसको, लोगों की सहमति से बना है, चाहे इसको असेंबली ने बनाया, लेकिन वो जो असेंबली थी 299 मेंबर्स में हर रिलीजन, हर कम्युनिटी से जो लोग थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे हिंदू, चाहे सिख कम्युनिटी, चाहे क्रिश्चियंस, चाहे जैन, चाहे पारसी, हर रिलीजन के जो लोग थे इसमें 299 मेंबर्स में थे, इवन वेमेन आल्सो, सरोजनी नायडू, ठीक है, वेमेन कैंडिडेट्स भी जो थी वो इस असेंबली का पार्ट थी, ठीक है। तो वी द पीपल का मतलब होता है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग रिलीजन से लोग जो थे वो इस असेंबली का पार्ट थे। देन इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉवरन, सॉवरन, अफगानिस्तान सॉवरन तालिबान से पहले था लेकिन अब वो सॉवरन नहीं है। सॉवरन का मतलब क्या होता है, दैट वी, इफ हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ सॉवरन, इट मींस इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन
इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अब इंडिया जो है, इंडिया ने अफगानिस्तान की हेल्प नहीं की, इसके ऊपर उसको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, ये उनका अपना डिसीजन है कि उन्होंने अफगानिस्तान की हेल्प की या नहीं की, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर वो अफगानिस्तान की हेल्प करेंगे तो तालिबान पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में भी एंटर हो सकता है। पर अभी लेटेस्ट जो है वो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। सॉवरन का मतलब क्या होता है? वी आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हमें अपनी कंट्री के डिसीजन के लिए यूएसए, चाइना, जापान या किसी रशिया से किसी भी तरह से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। वी आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल। बट बिफोर 1947 इंडिया वॉज नॉट सॉवरन, इंडिया सॉवरन नहीं था एट दैट टाइम, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। वट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोसाइटी, ऐसी कंट्री जहां पे सोसाइटी को इंपॉर्टेंस मिलती है, जहां पे वेल्थ का मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कंट्री की मनी होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल। सोशलिस्ट कंट्री ऐसी कंट्री होती है जहां पे वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल एंड द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट इज सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब, अब हमारी कंट्री क्या है, पूरी तरह से 100% सोशलिस्ट रशिया की तरह नहीं है। इंडिया की जो इकोनॉमी है मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है एयरलाइंस, ठीक है, या फिर बैंक्स जो हैं, एजुकेशन सिस्टम है या हॉस्पिटल्स हैं, इवन बसेस जो हैं प्राइवेट है, पब्लिक भी है। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो टोटली पब्लिक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या कोई लोग पर्सनल अपनी करेंसी बना सकते हैं? रेलवे, रेलवे पब्लिक, अभी भी रेलवे पब्लिक, ठीक है। देन थर्ड कोल माइंस, कोल COAL, कोल माइंस किसके अंडर है? प्राइवेट नहीं होती, पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर होती, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे प्राइवेट पीपल जो है वो एंटर नहीं करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। एंड साइड बाय साइड गवर्नमेंट जो है वो वीकर सेक्शंस के लिए भी प्रोविजंस बनाती है। यस, कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स, दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, जो शो करता है गवर्नमेंट क्या है? सोशलिस्ट है। सेकेंड, स्पेशल राइट्स गिवन टू वुमेन। वुमेन जो है, गर्ल्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ स्पेशल राइट्स मिलेंगे। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है? उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अब जैसे हम कहते हैं ना कि सपोज मेन है, अगर उनको पुलिस अरेस्ट कर लिए करती है तो उनको नाइट के टाइम पर लॉकअप में रखा जाता है, लेकिन अगर गर्ल्स हो तो, हाँ, गर्ल्स को नहीं, नाइट के टाइम पर उनको लॉकअप में नहीं रखते हैं। और गर्ल्स को अरेस्ट करने के लिए हमेशा कौन होनी चाहिए? लेडीज कॉन्स्टेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ राइट्स हैं जो गर्ल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है नो ऑफिशियल रिलीजन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन श्रीलंका का क्या है? बुद्धिज्म। आपको पता है श्रीलंका का स्टेट रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म। यूके का क्रिश्चियनिटी। पाकिस्तान का मुस्लिम। सऊदी अरेबिया इस्लाम। बट हमारी कंट्री क्या है? सेकुलर। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको हर फेस्टिवल पे क्या मिलती है? हॉलीडे। हाँ, वो भी सेकुलर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ड? डेमोक्रेटिक मैंने आपको पहले बताया, डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेटिक का मतलब रूल ऑफ पीपल। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट इन विच पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। एंड दिस गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, आंसरेबल है ये गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? कई बच्चे कहते हैं रिपब्लिक मींस वी सेलिब्रेट रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी, दैट इज रिपब्लिक। नो, हमेशा याद रखना जब रिपब्लिक वर्ड आपके सामने आएगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो उस टाइम पीरियड में उसका सीधा कॉन्टेक्ट जो है वो है प्रेसिडेंट। रिपब्लिक मतलब आपने बताना है प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है उस कंट्री का टेम्परेरी है या परमानेंट? टेम्परेरी। अगर उस कंट्री का प्रेसिडेंट जो हेड है वो टेम्परेरी है तो कंट्री क्या होगी? रिपब्लिक। अगर उस कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्टेड है,
इलेक्टेड मतलब जरूरी नहीं है कि पीपल, जैसे हमारी कंट्री में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इलेक्टेड है तो वो कंट्री क्या होगी? रिपब्लिक। दो कंडीशन याद रखो, इंडिया रिपब्लिक है, नंबर वन हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी का मतलब होता है फैमिली आफ्टर फैमिली, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड है, इलेक्टेड फॉर टेम्पररी, टेम्पररी टाइम के लिए इलेक्टेड होते, परमानेंट नहीं, ओनली फॉर 5 ईयर्स। हाँ, ये और चीज है कि 5 ईयर्स के बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट, वो रिटायर हो जाएंगे, फिर से कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वो फिर से नॉमिनेट हो सकते हैं, यानी कि वो फिर से कंटेस्ट कर सकते हैं, और अगर सेकेंड टाइम भी उनको, अगर वो जीतते हैं तो सेकेंड टाइम भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर वो इलेक्शन में जीते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट? हम खुद नहीं करते, यस, एमपीज प्लस एमएलए। अब आप खुद सोचो कि एटलीस्ट एमपीज कितने हुए लोकसभा और राज्यसभा के, टोटल कितने हो गए? 5 अप्रोक्सीमेटली लगा लो, 600 प्लस 550 प्लस अप्रोक्सीमेट। एमएलए कितने हुए हमारी कंट्री में? टोटल स्टेट्स कितनी है? 28 स्टेट्स है ना, 28, यस, 28 स्टेट्स में, सपोज हर स्टेट में 100 एमएलए भी हूँ तो कितने हो गए? 3000 लगा लो, ठीक है। एटलीस्ट आप सोचो कि 4000 टोटल मिलाकर, 4000 जो लोग हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट। एमपीज को हमने इलेक्ट किया, एमएलएस को हमने इलेक्ट किया, इट मीन हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्ट वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को हम नहीं करते, हम जिनको वोट करते हैं एमपीज को एमएलए को, वो आके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो दिस इज रिपब्लिक, इसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक सिस्टम। रामनाथ कोविंद एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू,